बिहार में राज्यसभा की खाली हो रही 6 सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होंगे। भाजपा के सुशील कुमार मोदी, जेडीयू के वशिष्ठ नारायण सिंह और अनिल प्रसाद हेगड़े, राजद के मनोज झा, मोहम्मद अशरफ करीम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकाल 2 अप्रैल को पूरा हो रहा है। चुनाव की अधिसूचना 8 फरवरी को जारी होगी। मालूम हो कि राज्यसभा चुनाव में सिर्फ विधायक वोटर होते हैं। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में 6 सीटों पर रिक्ति के लिहाज से राज्यसभा की एक सीट पर जीत के लिए कम से कम 40 विधायकों का समर्थन चाहिए। विधानसभा में खेमेगत संख्या को देखें तो सत्तारूढ़ एनडीए के पास 128 विधायकों एक निर्दलीय समेत का समर्थन है, वहीं विपक्ष के पास 115 विधायक हैं। संख्या बल के अनुसार इस बार राज्यसभा सदस्यों का समीकरण बदल जाएगा, क्योंकि जेडीयू के 45 विधायक ही हैं। ऐसे में जेडीयू के 2 के बदले एक सदस्य ही राज्यसभा जा पाएगा। वहीं भाजपा के 78 विधायक हैं, इसके हिसाब से भाजपा के 2 सदस्यों को राज्यसभा जाना तय है। विपक्षी खेमे में आरजेडी के पास 79 विधायक हैं। ऐसे में राजद कोटे से भी 2 सदस्यों का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन 6ठी सीट के लिए बहुमत किसी के पास नहीं है। 3 सीटों पर जीत के बाद सत्ताधारी दल में हम के 4 और निर्दलीय के 1 विधायक को मिलाकर 8 विधायक बच जाते हैं, जबकि विपक्षी खेमे में कांग्रेस के 19, माले के 12, सीपीआई और सीपीएम के 2-2, एआईएमआईएम के 1 सदस्य। इस तरह विपक्ष के पास 35 सदस्य हो जाते हैं। इस हिसाब से विपक्षी खेमे में अधिक विधायक हैं। संसद के ऊपरी सदन में इस बार बिहार से कौन कौन जाएगा, इस पर राजनीतिक दलों में मंथन शुरू हो गया है। भाजपा के कदावर नेता सुशील मोदी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पार्टी में उनके लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजती है या लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी, इस पर नजर टिकी है। दूसरी सीट के लिए बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े का नाम चर्चा में है। वैसे भाजपा के सहयोगी हमने भी राज्यसभा की दावेदारी पेश की है। ऐसे में भाजपा खुद अपने दल से किसी नेता को राज्यसभा भेजेगी या सहयोगी दल हम के किसी नेता को राज्यसभा भेजेगी, इस पर निर्णय होना बाकी है। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। माना जा रहा है उनका भेजा जाना तय है। विपक्षी खेमे से आरजेडी में देखें तो मनोज झा सबसे चर्चित चेहरा है। ऐसे में इनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। अहमद अशफाक करीम का भी पार्टी में विशेष महत्व है। भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य का नाम भी चर्चा में है। ऐसे में आरजेडी अपने दल से या सहयोगी दल से किसी नेता को राज्यसभा भेजेगा, देखना दिलचस्प होगा। 6ठी सीट के तौर पर अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। विपक्षी खेमा जोड़ तोड़ कर उन्हें राज्यसभा जरूर भेजना चाहेगी। सत्ता पक्ष की ओर से यदि 4थे उम्मीदवार का नामांकन होता है और विपक्ष भी अड़ गया तो 6ठी सीट के लिए मतदान होना तय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।